हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज हमारे साथ बहुत ही बड़े शख्सियत मौजूद है, जो है विकी वैन। आपके चहेते विकी वैन यहां पे हमारे पास मौजूद है। एक्चुअली मैं यहां पे हम यहां पे जो कोर्स का प्लानिंग था उसके लिए आए हुए थे, और बहुत अच्छा गया हमारा जो लास्ट कुछ दिन। तो इस बारे में विक्रम जी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। वैसे दूसरा इंटरव्यू है मेरा वसीम में। पहले तो मैं प्रवीर जी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पे आए, हमारा कोर्स काफ़ी अच्छा चला। और उसके अलावा और एक थैंक्स इनको इसके लिए कि इन्होंने एक बड़े ही स्पेशल शख्सियत का इंटरव्यू लिया है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वो शायद अभी ये जब वीडियो आपको करेंगे पोस्ट सो शायद उसके पहले या बाद में आ चुकी होगी, देखिएगा। काफ़ी दमदार शख्सियत है। और रहा सवाल इस एक्सपीरियंस का, तो प्रवीर जी के साथ बहुत ही इजी हो गया। बिल्कुल इनके तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे ही, यानी एक्सप्लेन करने का भी तरीका बड़ा शानदार था। तो ये सेटिस्फेक्शन मिलना भी बहुत आवश्यक है। यानी क्या है कि साउंड इंजीनियर करके बातों से पेट नहीं भरता है जी। इस बार हमने कर दिखाया है, और वाकई हमारी भी हालत ढीली हो चुकी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े इस बार। पता लग गया कि कोर्स क्या है और हमको जितना एफर्ट्स देने पड़े इसको पूरा करने में। वाकई लगता है कि अगर इस टाइप का हम लोग सभी के साथ एफर्ट देते रहेंगे ना जी, तो कम से कम ऐसा समझ लीजिए कि कुछ हाई एंड स्टूडेंट्स हम लोग बाहर निकालेंगे अपने कोर्स से जी। और जो लोग छूट गए वो शायद आगे हम उनको ले लें, उनको आगे मौका देने के लिए प्रवीर जी और एक बार जितने पैक हो गए थे हम लोग जी। तो देखते हैं, आगे के कोर्स का भी प्लानिंग करेंगे लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली नहीं हो पाएगा जी। जी जी। और बाकी कुछ ब्रांच के बारे में बात करें जी। हाँ, ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा है ब्रांड्स के बारे में। एक्चुअली देखिए, जैसा कि आपने भी देखा है साउंड क्राफ्ट का मिक्सर मैंने आपको जो दिखाया हुआ है, बिल्कुल। तो EFX 12, लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो एयर सीरीज के मिक्सर वगैरह लेते हैं तो EFX 12 एक लाजवाब मिक्सर निकला है साउंड क्राफ्ट का, बहुत ही इकोनॉमिक प्राइस रेंज में। आप एक बार इसे यूज़ कीजिए, आप कोई मिक्सर ना यूज़ करेंगे इस रेंज में और इस क्वालिटी का जो दिखाया गया है प्रोडक्ट। दूसरा एम्पलीफायर्स के बारे में, जैसा बीटा 3 कमर तोड़ देगा वाकई, बाकी सब कंपनियों की लगता है। अभी आपने भी कुछ पीसेज बेचे हैं, मैंने भी बेचे हैं, और आपका एक्सपीरियंस भी मेरे ख्याल से तगड़ा रहा था क्योंकि आपने LD18 दिए थे ना उसपे जी। मैंने तो यहाँ पे मैंने 1500 के 4 बेच दिए हैं उसको एक कस्टमर को जी। जी जी। वो बोलता है यार ये 8 बेस इतना सा एम्पलीफायर बजा कैसे लेता है, यानी वो खुद ले नहीं रहा था। कुछ नए वेरिएंट भी निकल के आ रहे हैं अभी। इसमें क्या है कि आपने भी देखा है, आपने भी कई सारे बेचे, मैंने बेचे जी, जी। और मैंने कुछ इक्विपमेंट भी रिव्यू भी किया है जी जी। आपने DT 4000 Beta 3 का एक टावर था जो इंडोर सेटअप के लिए जी, उसका भी किया हुआ है। तो Beta 3 ऑलमोस्ट मैं 8 साल से यूज भी किया हूँ मैंने जी। तो रिस्पॉन्स बहुत ही लाजवाब होता है। बाकी उनका जो वाटरप्रूफ लाइनर है वो भी क्या अफोर्डेबल प्राइस में है, बिल्कुल। उसके ऊपर पानी डालिए, कुछ भी कीजिए बहुत अच्छी प्राइसिंग में है। और एक्चुअली क्या है कि Beta 3 ने अभी अभी ये इकोनॉमिक रेंज वाले प्रोडक्ट ला लिए हैं जो इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए। एक तो वारंटी एम्पलीफायर्स की जो कोई नहीं देता है, Beta 3 दे रहा है, और दूसरा उनका प्राइसिंग इतना कम कि रेगुलर वाले एम्पलीफायरों से कम प्राइस में, देखने में हैरान हो गया मैं तो। वारंटी बहुत अच्छा प्रोडक्ट। और नॉम सीरीज 2.4 2.6 4.4 हजार वॉट पर चैनल एट 4 ओम्स, वो भी 4 चैनल वाला एम्पलीफायर और 30-35,000 की रेंज में, बिल्कुल मार्वलस प्राइस है। इससे ऊपर और क्या देगी कोई कंपनी। कुछ ऐसे कंपनी है जो जी उनसे आधे प्राइस में भी, आधे 30,000 में। मैं आपको बताता हूँ 1,000 के 2 कॉलम चलाने वाला एम्पलीफायर देगी अदर कंपनीज, और ये 30-35 की रेंज में 4 कॉलम चलाने वाले, वो भी 4 चैनल वाला एम्पलीफायर, बिल्कुल और दैट टू क्लास H, बिल्कुल। और क्या बच्चे की जान लेंगे, बिल्कुल। अच्छा है ये प्रभी जी, एक बात है जो मैंने शायद अपने फेसबुक वाले वीडियो में भी कही थी,
कि आपका और मेरा एक चीज़ है कि जो मेरे को कस्टमर नहीं बोला है कि सर आपके पास वैरायटी है, हमारे डीलर्स के पास नहीं होती है। यानी कि मान लेते हैं कि भले आप लोगों के सिटी में भी कोई डीलर है, उसके पास क्या है, वो स्टॉक जो शॉप में लगा हुआ है उतने में से ही उसने बेचना है आपको जी। और उसने क्या है, वही फॉर्मूला रिपीट करके आपको देना है। यानी आपको भी वही मटेरियल देगा, आपके कॉम्पिटिटर को भी वही, और तीसरा कोई होगा तो उसको भी वही जी। लेकिन हमारे यहाँ से लेना मतलब वो बता रहा था कि आपके यहाँ से कुछ यूनिक मिलेगा जो मतलब फॉर्मूला रिपीट नहीं होगा। यानी आपको अगर मैं कुछ देखने को मिले चीज दे रहा हूँ तो आपके कॉम्पिटिटर को वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल मुझे भी नहीं पता कि आपका कॉम्पिटिटर है जी जी जी। और मुझसे काफ़ी लिमिटेड लोग कांटेक्ट करते हैं, एक शहर में से एक ही मान लीजिए, तो वो एक लकी बंदा जो है जिसको मैं मटेरियल देने वाला हूँ या आप देने वाले हैं, उसकी तो चांदी है ना, क्योंकि उसका फॉर्मूला किसी को पता ही नहीं आपके और उसके अलावा। बिल्कुल, ये बड़ा शानदार एस्पेक्ट है, उसने समझाया मुझे कस्टमर ने जी जी जी। तो हमारा जो ये फील्ड है ये किस तरफ आपको आगे फ्यूचर में देखने को मिल रही है? देखिए प्रवीर जी, क्योंकि आप और मैं एक ही लाइन में हैं तो ये क्वेश्चन तो आपके भी सामने है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है हम लोग उस वे में आगे बढ़ रहे हैं जिस वे में लाइट वेट्स यानी कम वजन वाले ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाले, जैसे कि मैं नियोडिमियम स्पीकर की बात करूँ, प्लाईवुड की बात करूँ, क्लास डी एम्पलीफायर की बात करूँ, और मतलब इसी टाइप के सारे इक्विपमेंट्स जो कि लाइट वेटेड है लेकिन उनका परफॉर्मेंस टू दी अल्टीमेट लेवल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और प्राइसिंग बहुत कम है, तो मेरे को लगता है कि हम लोग उस फ्यूचर को जल्दी ही देखने वाले हैं जो कि बहुत लाइट वेट्स और बहुत इजीली। और इसमें सबसे अच्छी बात, डीएसपी तो सुना ही आपने, आपने दिए भी हैं, डीएसपी एक बार दे दो हमारा टेंशन खत्म, कैसी सेटिंग होगी क्या होगी सारा तो डीएसपी निपटा दे रहा है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल तक का काम कर जा रहा है कि आप वहां पे सेटिंग में प्रॉपर ना हो लेकिन आपका सेटअप बड़ा अच्छा, आपको बार बार सेटिंग करना भी नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली, कहीं से भी यूज किया गया हो कहीं लेके जा रहे हैं वही प्रीसेट वही साउंड जी। और यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत सारे वीडियोस शूट किए हैं ऑल ओवर, बोलने को चले तो मुझे खजाना मिल गया रिव्यू का। आगे आपको बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखने को मिलने वाले हैं, बहुत ही दमदार टॉपिक्स रहने वाले हैं। और उस बीच विक्रम जी ने भी मेरा काफ़ी हेल्प किया है ड्यूरिंग टेस्टिंग टाइम, या फिर मतलब हर वो वे में मुझे हेल्प किया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वो वाली वीडियोज़ भी अच्छी लगेगी, और इस वीडियो के बाद शायद वो वाला वीडियोस आ जाएंगी, तो आप उस वीडियो को जितना सपोर्ट करेंगे, इस तरह के हम बहुत सारे वीडियो भी लेके आएंगे और आपको बहुत सारे कोलैब की भी वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा आगे के लिए भी कुछ वैसा ही कुछ बड़ा प्लान चल रहा है जी। तो जैसे ही हम फाइनलाइज कर लेते हैं तो उस वो कोलैब का वीडियो आपको रेगुलरली भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर। उधर देख के, अच्छा उधर है दोस्त आपके। अच्छा अच्छा, बोला